हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीजन 2 में आज आप देखने वाले हो इसका फोर्थ एपिसोड साउंड्स लाइक, जिसके डायरेक्टर हैं ब्रैड एंडरसन, जो बना चुके हैं सेशन 9 और क्रिश्चियन बेल वाली द मशीनिस्ट। पिछले एपिसोड्स अगर आपने मिस कर दिए तो आप उन्हें भी चेक कर लेना, साथ ही पिछला सीजन भी। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है लैरी नाम के आदमी की, जिसके पास एक स्पेशल गिफ्ट है या फिर कह लो के कर्स। इसके पास हेयरिंग पावर है, जिससे ये छोटी से छोटी साउंड या फिर काफी दूर तक का भी सुन सकता है। तो कई बार ये गिफ्ट साबित होता है, पर ज्यादातर कर्स, क्योंकि ये कहीं बाहर जाता है तो इसका दिमाग फटने को हो जाता है। ऊपर से ये काम करता है एक कॉल सेंटर में, जहाँ पर पूरा दिन इसे बस शोर ही सुनाई देता है। इसका काम है सभी वर्कर्स के ऊपर निगरानी रखना कि वो कस्टमर्स के साथ ठीक से बात कर रहे हैं या नहीं, और ये काम ये काफी अच्छे से कर लेता है। कौन क्या बोल रहा है ये इसे साफ साफ सुनाई दे जाता है। किसी एक के ऊपर ये फोकस करेगा तो उसकी सारी बात ये दूर से भी सुन लेगा। ये काइंड ऑफ इसकी सुपर पावर है। जैसे कि एक वर्कर किसी कस्टमर के ऊपर चिल्लाने ही वाला था, पर उससे पहले लैरी ने कॉल कट कर दी, और अब वो कस्टमर दोबारा कॉल करेगा तो कोई और वर्कर उसे अच्छे से अटेंड कर लेगा। इससे कंपनी का नाम बना रहेगा। ऐसे वर्कर्स इन्हें चाहिए ही नहीं जिनके अंदर पेशेंस ही ना हो। यही बात वो उस वर्कर को समझा रहा था, तो वो इसी के ऊपर चिल्लाकर वहां से चला गया, यानी कि जॉब छोड़ गया। लैरी की फैमिली में है उसकी वाइफ ब्रांडा, जो कि पूरे दिन बुनाई करती रहती है, और उसकी आवाज भी लैरी के कानों में चुभती है। ब्रांडा रोज पिल्स भी लेती है, क्योंकि ये दोनों ही एक सदमे से गुजर रहे हैं। इनका एक बेटा था माइकल, जिसकी डेथ हो गई, तब से इन दोनों की लाइफ बिखर गई। ब्रांडा तो अब तक ठीक से संभल नहीं पाई, पर लैरी ने अपना दुख किसी को बताया नहीं। जॉब पर भी लगातार जाता रहा, इसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। अब घर जाकर वो एक छोटी सी बोट बना रहा था, क्योंकि माइकल को बोट्स पसंद थी, और माइकल के मरने के बाद उसका रूम इन्होंने छेड़ा नहीं। वो आज भी वैसा का वैसा ही है, और किसी को भी उसके रूम में जाना अलाउड नहीं, वरना लैरी गुस्सा हो जाता है। अब वैसे तो इन दोनों को एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन लैरी आगे बढ़ना चाहता ही नहीं, ये उसी पल में अटक चुका है। ब्रांडा उससे बातें कर रही थी, पर वो तो आराम से ईयरबड्स लगाकर सो गया। अगले दिन उसके वर्कर्स उसकी बुराइयां कर रहे थे कि वो कितना ज्यादा घटिया इंसान है, जिसने बेटे के मरने पर भी काम नहीं छोड़ा, अगले दिन ही काम पर वापस आ गया। उन्हें तो लग रहा था कि लैरी उनसे काफी दूर बैठा है, लेकिन वो उनकी एक एक बात सुन रहा था। इसे वो दिन आज भी याद है जब इसका बेटा अपनी टॉय बोट चला रहा था और ये आराम से बैठकर उसे देख रहा था। तभी इसे माइकल के दिल की धड़कन सुनाई दी थी, जिसमें कुछ तो गड़बड़ थी। ये डॉक्टर के पास गए, जहां पर माइकल के टेस्ट हुए, और उनसे ये पता चला कि माइकल का दिल धीरे धीरे रुक रहा है। डॉक्टर ने बोला कि अगर ये प्रॉब्लम एक दो साल पहले पता चल जाती तो माइकल को बचाया जा सकता था, लेकिन अब नहीं। ये सुनकर ब्रांडा तो फूट फूट कर रोने लगी थी, लेकिन लैरी वहीं पर फ्रीज हो गया था, और तब से ये वैसा ही है। कुछ इस तरह माइकल की मौत भी हो गई थी, और उसी के साथ लैरी के जीवन की सारी खुशियां भी चली गई। अब ये माइकल की ग्रेव पर जाता है और वहां पर अपनी बनाई हुई बोट रख देता है। बस अब यहीं तक इसकी लाइफ सीमित है, और किसी चीज में इसे इंटरेस्ट नहीं। एक रात ब्रांडा जिद करके उसे बाहर डिनर पर लेकर गई, लेकिन वहां पर वो और ज्यादा इरिटेट हो रहा था। आसपास की आवाजें उसे परेशान कर रही थी, जो कि आम इंसान को सुनाई भी नहीं देती। और ब्रांडा इसे लेकर आई क्योंकि वो इसकी पावर के बारे में नहीं जानती, इसने किसी को बताया नहीं। अब क्या ये पावर इसके पास बचपन से थी, वो तो हमें बताया नहीं गया, पर ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन इसने ध्यान लगाकर अपने बेटे की धड़कन सुनी थी, उसी दिन से ये गिफ्ट या कर्स इसके साथ चिपक गया, ध्यान लगाकर किसी भी आवाज को सुन पाने का। पर अब तो ये सब बिना ध्यान लगाए भी हो रहा है। शायद इसकी पावर बढ़ती जा रही है, जिससे इसका सब्र टूटता जा रहा है। ब्रांडा उसे बता रही थी कि हमारी पड़ोसन प्रेग्नेंट है, और ये बताने की वजह ऑब्वियस है कि इसे भी एक बच्चा चाहिए, लेकिन लैरी को नहीं। वो माइकल की यादों के सहारे जिलेगा। पर सामने ही एक बच्ची को अपने डैड के साथ खेलता देखकर उसके विचार बदल गए। फिर घर जाकर बच्चे की प्लानिंग चली। अगले दिन लैरी के बॉस ने उसे बुलाया, क्योंकि वो लैरी के काम से खुश नहीं था। जब से माइकल गया है तब से इसके काम में गिरावट आई है, अब ये पहले की तरह काम नहीं कर रहा। तो बॉस ने उसे एक थेरेपिस्ट का कार्ड दिया, जिससे लैरी को मिलना होगा, और
और ये कोई राय नहीं बल्कि ऑर्डर है, वरना सीधा इसकी जॉब जाएगी। ऑफिस में एक नया वर्कर आया था डेविड। वो कस्टमर के साथ टॉपिक से हट के बात कर रहा था, यानी कस्टमर की पर्सनल लाइफ के बारे में उसे राय दे रहा था जो कि रूल्स के खिलाफ है। लैरी उसकी कॉल काटने ही वाला था लेकिन वो रुक गया क्योंकि उसकी बातों से लैरी को भी राहत मिली। डेविड सामने वाले की बात को अच्छे से सुन भी रहा था जो कि लैरी को काफी पसंद आया क्योंकि शायद इसे भी कोई ऐसा ही चाहिए जो निस्वार्थ होकर इसके मन की बात सुने, बिल्कुल इसके बेटे की तरह। डेविड को बुलाकर लैरी ने उसे रूल समझाए लेकिन डेविड के रूल्स भी सेट थे। उसने साफ बोल दिया कि निकालना है तो निकाल दो, किसी की परेशानी सुनकर मैं चुप नहीं रह सकता। फिर लैरी घर पहुंचा तो ब्रेंडा को उसने पाया माइकल के रूम में, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, हद से ज्यादा। अगले दिन वो थेरेपिस्ट के पास पहुंचा जहां पर वो बोल रहा था कि मुझे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तब थेरेपिस्ट उसे बताता है कि कोई ना कोई चीज तुम्हें अंदर से खा रही है, वो गुस्सा हो सकता है, कड़वाहट हो सकती है या फिर गिल्ट, लेकिन प्रॉब्लम तो जरूर है जिसे स्वीकार करना होगा तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। जैसे कि थेरेपिस्ट खुद एक स्मोकर था पर अब 6 साल हो चुके हैं इसने सिगरेट को छुआ तक नहीं। ये तभी पॉसिबल हो पाया जब इसने प्रॉब्लम को स्वीकार किया, तो लैरी को भी करना होगा लेकिन अगले सेशन में। पैसा भी तो कोई चीज है। पर थेरेपिस्ट के हाथ पैर की मूवमेंट और उसकी सांसों से लैरी को पता चल गया कि वो फ्रॉड है। उसे सिगरेट की तलब लग रही थी इसलिए वो लैरी को भगा रहा था, तो अब लैरी वापस तो इसके पास आएगा नहीं। इससे बेहतर थेरेपी उसे दे सकता है डेविड। वो डेविड के साथ उसी जगह पर पहुंचा जहां पर ये माइकल को लेकर आता था और डेविड के बजाय उसे माइकल ही दिखाई दे रहा था, तो वो उसे वैसे ही टच करने लगा जिससे डेविड के लिए सब कुछ ऑकवर्ड हो गया। उसे लैरी के इरादे कुछ और लगे। ऊपर से लैरी काफी गहरी बातें कर रहा था, जैसे कि अगर शोर लाइफ की आवाज है तो साइलेंस मौत की आवाज है, इसलिए दुनिया खुद को शोर के अंदर बिजी रखती है और खामोशी से डरती है। तो ये सब सुनकर डेविड घबरा कर वहां से भाग गया। फिर रात को जब लैरी घर पहुंचा तो ब्रेंडा ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है, पर 2 रात पहले ही तो सब कुछ हुआ था, इतनी जल्दी कैसे, ये सोच रहा था लैरी। पर ब्रेंडा तो एकदम श्योर थी, उसे अंदर से फीलिंग आ रही थी और उसकी इतनी ज्यादा इंटेंस खुशी देखकर लैरी इरिटेट हो गया। उसे इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि ब्रेंडा माइकल को भूल कैसे सकती है, लेकिन ब्रेंडा भूली कब। गुस्से में वो गैरेज में पहुंचा जहां पर उसे कई सारे जानवरों की आवाजें आने लगी और वो आ रही थी एक दीवार के पीछे से, तो लैरी ने वो दीवार ही तोड़ दी और उसके पीछे थे कई सारे चूहे के बच्चे जिनकी आवाज उसके कानों में चुभ रही थी, इसलिए उसने हथौड़ा लिया और एक एक बच्चे को पीस डाला। फिर अगले दिन वो ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि डेविड आया ही नहीं क्योंकि वो तो जॉब छोड़कर जा चुका सिर्फ लैरी की वजह से। बॉस ने लैरी की क्लास ली क्योंकि डेविड और थेरेपिस्ट दोनों ने उसकी कंप्लेन की थी। बॉस उसे समझा रहा था पर उसे तो मक्खी के पैरों की आवाज परेशान कर रही थी। अब ये गिफ्ट पक्का इसका कर्स बन चुका है जो इसके दिमाग पर हावी होता जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ये पागल हो जाएगा। लैरी को वो दिन याद आ रहा था जब माइकल हॉस्पिटल में एडमिट था। वहां की मशीनों की आवाज भी लैरी को परेशान कर रही थी पर रुकना भी इसकी मजबूरी थी। तब ये बैठकर यही प्रे कर रहा था कि काश ये मशीनें रुक जाएं, तो जल्दी वो रुक भी गई क्योंकि माइकल के दिल की धड़कन रुक गई थी। यही वो गिल्ट है जो इसके साथ चिपक चुका है। वो कार में अपने घर जा रहा था तभी रास्ते में बारिश होने लगी और एक एक बूंद उसे गोली की तरह सर में चुभ रही थी, तो कार से निकलकर वो पास वाली लाइब्रेरी में चला गया जहां पर एकदम शांति थी, लेकिन जल्दी वहां की शांति भी गायब हो गई। उसे पन्ने पलटने की, पेंसिल चबाने की, मार्कर की, कीबोर्ड की आवाजें तंग करने लगी, तो कैसे भी करके वो घर पहुंचा लेकिन घर में भी वही हाल था। बल्ब तक की आवाज उसके कानों में अब चुभ रही थी जो कि वो फोकस भी नहीं कर रहा, यानी प्रॉब्लम बढ़ चुकी। गुस्से में उसने घर का एक एक सामान तोड़ दिया पर फिर भी काम नहीं बन रहा था, तो मीटर ही उखाड़ कर फेंक दिया जिससे पूरे घर की लाइट चली गई और तब जाकर सब कुछ शांत हुआ। लेकिन एक आवाज अब भी उसे तंग कर रही थी, वो थी ब्रेंडा की आंखों की। सोते हुए वो आंखें हिला रही थी जिससे लैरी बॉदर हो रहा था, तो ब्रेंडा को जगाने के बजाय उसने परमानेंटली उसे सुला दिया तकिए से उसका दम घोटकर। फिर अगली सुबह जब वो उठा तो उसे कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था, सब कुछ वैसा था जैसे किसी आम इंसान को सुनाई देता है। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ लेकिन कई बार कंफर्म करने के बाद हो गया। अब वो कार में म्यूजिक चला पा रहा था, अपने वर्कर्स के ऊपर ध्यान दे पा रहा था और मक्खी के पैर की आवाज भी उसे नहीं आ रही। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। इस रात वो चैन की नींद सो रहा था पर तभी फिर से कोई आवाज आने लगी। वो थी टूटे हुए नल की जो कि आनी थी, लेकिन उसे बंद करने के बाद भी एक आवाज आ रही थी और हर दिन वो बढ़ती जा रही थी। वो आ रही थी इसके बेडरूम से जहां पर इसने ब्रेंडा को मारा था। उस दिन के बाद से ये रूम में गया ही नहीं और ना ही अब जा रहा है। उसने बाहर टॉवल अड़ा दिया ताकि रूम सील हो जाए, लेकिन आवाज तो अब भी आ रही थी। तब उसे अपनी कार में जाकर सोना पड़ा।
अगली सुबह जब वो जागा तो सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ ज्यादा ही शांत, क्योंकि उसके कान में ईयरबड्स थे। जैसे ही उसने निकाले उसकी चीख भी निकल गई, क्योंकि पावर फिर से वापस आ चुकी थी। अब उसे और भी ज्यादा तेज सुनाई दे रहा था, जो कि बर्दाश्त के बाहर था। तो काम पर वो पहुंचा कुछ इस तरह। हर कोई उसे देखकर हंस रहा था, पर उसे क्या। लेकिन सीरियस बात यह है कि अब उसे हर जगह से वही बेडरूम वाली आवाज आ रही थी, चाहे फोन हो या बॉस का मुंह या फिर कार का रेडियो क्यों ना हो। तंग आकर वो माइकल की कब्र पर पहुंचा, जहां पर फाइनली उसे शांति मिली। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से कोई आवाज आने लगी, और वो थी मिट्टी के अंदर रेंग रहे ढेर सारे कीड़ों की। परेशान होकर वो अपने घर पहुंचा तो उसका बर्ताव देखकर उसके पड़ोसी ने पुलिस बुला ली। इतने में वो ऊपर पहुंचा तो उसे माइकल के रूम से किसी बच्चे की आवाज आ रही थी, पर रूम में पहुंचकर पता चला कि वो आवाज थी किसी कीड़े की। पुलिस आ चुकी थी, इसलिए वो पागल होता हुआ बेडरूम में पहुंचा उस आवाज का सामना करने, और अब जाकर पता चला कि वो आवाज थी ब्रांडा की सड़ी हुई लाश में लगे हुए कीड़ों की। कीड़े खा रहे हैं ब्रांडा को, और इनकी आवाज खा रही है लैरी को। पुलिस ऊपर आई तो लैरी उन्हें नहीं मिला, क्योंकि वो तो अपने दोनों कान काटकर एक नाव हाथों में लेकर समंदर की तरफ जा रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड हुआ खत्म। तो लैरी का जो गिल्ट था वो ही सब कुछ खा गया। ब्रांडा तो कैसे भी करके आगे बढ़ना चाह रही थी, लेकिन लैरी को अटके रहना था। हमने देखा कि गिफ्ट और कर्स के बीच में जो लाइन होती है वो बड़ी जल्दी मिट जाती है। ये एपिसोड थोड़ा स्लो बर्न टाइप था, जिसमें ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं, पर काफी कुछ हो भी गया। लैरी साइलेंस को चेस करता रहा, पर साइलेंस उसे मिली साइलेंट होने के बाद। अब आप बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको ये पावर मिल जाए तो आप इसका क्या करोगे, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन का शोर आपको यहां तक ले आए। वैसे तो सबके फोन साइलेंट ही होंगे, और ज्यादा कनेक्टिव रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।